अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं रज़ा आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल अर्निंग थिंग्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त आप दोस्तों के साथ तीन गिवअवेज शेयर करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त गिवअवेज हैं, आपने तीनों गिवअवेज को ज्वाइन कर लेना है। एक्सचेंज के गिवअवेज हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने एक्सचेंज पर कोई KYC वगैरह नहीं करनी, जस्ट आपने सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करना है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सचेंज है। उसके बाद ये तीनों गिवअवेज में आपका अगर नाम आ जाता है, यानी आप अगर लकी विनर्स रहते हैं, आपका यहाँ पे किसी भी गिवअवे में नाम आ जाता है, तो आपको ये टोकन्स जो हैं वो आपके एक्सचेंज के अकाउंट में सेंड कर दिए जाएंगे और वहाँ से आप उनको सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो A to Z तमाम डिटेल आप दोस्तों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये है आपका अपना चैनल अर्निंग थिंग्स, इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आप तमाम दोस्तों को हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहे। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों को इन गिवअवेज की अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आएंगे तो ये इनका कॉइन टाइगर एक्सचेंज का ट्विटर का मेन जो पेज है वो है। यहाँ पे इनके आप आके फॉलोअर्स चेक कर सकते हैं। इस वक्त इसके तकरीबन 73.3K फॉलोअर्स जो हैं वो हो चुके हैं, यानी 73.3K फॉलोअर्स जो हैं वो इसके हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसके साथ जो है वो अटैच हो रहे हैं, तो ये अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लेके आ रही है। यहाँ पर देखें, मुख्तलिफ इनके गिवअवेज वगैरह चल रहे हैं, जिनमें ट्रेडिंग कंटेस्ट भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनके और भी गिवअवेज जो हैं वो चल रहे हैं। तो हम इसके बेसिकली जो सिंपल से तीन गिवअवेज हैं वो ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले वाला जो गिवअवे, इसकी तकरीबन 47 यानी 47 मिनट पहले इसकी गिवअवे की जो अनाउंसमेंट जो है वो आई है। यहाँ पे देख लें, ये इनके 47 मिनट पहले 47 मिनट्स पहले इनकी गिवअवे की अनाउंसमेंट जो है वो आई है। यहाँ पे ये तकरीबन 1000 जो है NETZ का टोकन का गिवअवे जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, इन्होंने बताया हुआ है वाजिया, और ये तकरीबन 400 लकी विनर्स में करेंगे, यानी 400 लकी विनर्स में ये 1000 NETZ टोकन्स का गिव अवे करेंगे। अगर आप इन 400 लकी विनर्स में आ जाते हैं, तो ये टोकन्स आपको डायरेक्ट आपके एक्सचेंज में सेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद इनके दूसरे वाला गिव अवे जो है वो भी है। यहाँ पे आप जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे इनका दूसरे वाला गिव अवे जो है वो है यहाँ पे फ्रेंड्स, X2P टोकन का। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे इतने टोकन्स जो है ये गिव अवे करने हैं, और ये 5 आवर्स पहले इनकी अनाउंसमेंट है, और तकरीबन 400 यानी 400 लकी विनर्स में 400 रैंडम विनर्स ये चुनेंगे। ये नहीं कि कोई भी यहाँ पे ये चुनेंगे, नहीं, 400 ये लकी विनर्स को चुनेंगे। जितने भी पार्टिसिपेट होंगे उनमें से 400 लकी विनर्स होंगे, जिनको यहाँ पे ये टोकन्स जो है सेंड कर दिए जाएंगे इनके एक्सचेंज के अकाउंट्स में। इसी तरह इनका लास्ट वाला जो तीसरा गिव अवे है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखें, इनकी 6 आवर्स पहले यानी 6 घंटे पहले की अनाउंसमेंट है ये वाली, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये 600 CORIS टोकन्स का गिव अवे कर रहे हैं, 600 CORIS का गिव अवे कर रहे हैं, और 150 लकी विनर्स को यहाँ पे ये सेंड करेंगे, यानी 150 लकी विनर्स होंगे उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 600 CORIS टोकन्स का गिव अवे। अब यहाँ पे आपने इनको ज्वाइन कैसे करना है, तो A to Z तमाम डिटेल आप दोस्तों को बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आके कॉइन टाइगर एक्सचेंज पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने ईमेल एड्रेस से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीकों से इस पे अकाउंट क्रिएट करना बताऊँगा। सबसे पहले हम चले जाते हैं कि मोबाइल पे हमने कैसे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अब मोबाइल का ऑप्शन आप दोस्तों के सामने सबसे पहले ओपन होगा। यहाँ पर आप आएँगे ना, तो आपको यहाँ पर ये कंट्री कोड नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये देखें ये कंट्री कोड है प्लस के निशान के साथ। अब यहाँ पे आप आके क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च बार भी मिल जाएगी और मुख्तलिफ कोड्स भी मिल जाएंगे। आपकी कंट्री का जो भी नाम होगा आप नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए सिंगापुर वगैरह, और अगर आप यहाँ पे जिस कंट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखें उसी वक्त ये कोड आ गया। तो आप जिस कंट्री से भी ताल्लुक रखते हैं, आपने सर्च बार में अपनी कंट्री का नेम लिखना है, तो आपकी कंट्री के नेम के साथ सामने यहाँ पे कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जिस कंट्री पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे ये कोड आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आके आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने एक सिंपल सा कैप्चा जो है वो आ जाएगा, आपने कैप्चे को फिल करना है, तो आपके मोबाइल नंबर
पे एक कोड चला जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे आके डाल देना। डालने के साथ ही आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो सिंपल आपके सामने जो है कॉइन टाइगर एक्सचेंज का जो मेन डैशबोर्ड है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाला आप दोस्तों ने जाना है इनका जो गिव अवे का पहला लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा उस पर आपने। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे पहले गिव अवे के लिंक पे आएंगे ना, ये जो NETZ का है इस पे, तो यहाँ पे देखें ये तमाम आप दोस्तों के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपने ट्विटर को जो है उससे फॉलो करें। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये आपको ट्विटर जो है उससे ये लिंक कर देगा। जैसे ही आपके ट्विटर यहाँ पे लिंक होगा अथराइज का ऑप्शन आएगा, आपने अथराइज पे क्लिक करना है तो आपका ट्विटर जो है यहाँ पे लिंक हो जाएगा और यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपसे कहेगा कि फॉलो करें। सिंपल आप जैसे ही फॉलो पे क्लिक करेंगे, अगर आपने इसमें पहले जो है इसको फॉलो किया होगा तो यहाँ से ये कर लेगा और इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे जैसे ये दूसरे वाला ऑप्शन में क्लिक किया ना, सेम इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा इनके फॉलो वाले ऑप्शन पे, आपने फॉलो पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉलो का ऑप्शन आ चुका है, सिंपल आपने यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ये वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉलो पे क्लिक किया, हमारा यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने फॉलो पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारा फॉलो का ऑप्शन जो यहाँ फॉलोइंग आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारा फॉलोइंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे हमारा ये फॉलोइंग का ऑप्शन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हमने आना है वापस और यहाँ पे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब ये यहाँ से डायरेक्ट करेगा, जैसे ही डायरेक्ट करेगा तो ऑप्शन आ गया। अब यह कह रहा है कि आपने यहाँ पे इनकी ट्वीट को जो है लाइक और रीट्वीट करना है। यहाँ पे देखें इन्होंने ये एक वाजह चीज़ बताई हुई है कि आपने जो इनकी ट्वीट है ना उसको यहाँ पे 5 फ्रेंड्स के साथ टैग भी करना है। यहाँ पे देखें ये इन्होंने बताया हुआ है कि इनकी जो ट्वीट है उसको आपने लाइक और रीट्वीट करने के साथ साथ 5 दोस्तों को टैग भी करना है। तो सिंपल आपने इस तरह से इसको टैग कर लेना है, 5 दोस्तों को यहाँ पे टैग कर लेना है और इसकी ट्वीट को क्लिक एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन जो है ये कर के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने ये ट्वीट का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये ट्वीट का ऑप्शन ओपन होगा आपने यहाँ पे रीट्वीट कॉइन टाइगर पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये कॉइन टाइगर का रीट्वीट का ऑप्शन जो है आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ चुका है ये वाला रीट्वीट का ऑप्शन। आपने यहाँ पे जो है इसको यहाँ से आपने रीट्वीट करने के बजाय यहाँ पे आपने कैंसिल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपने लाइक कर लेना है, लाइक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्वाइट अ ट्वीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्वाइट अ ट्वीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है अपने 5 दोस्तों के नाम। करने के बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ये ट्वीट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह आपने रिप्लाई पे भी क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये ट्वीट का हमारा ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन इस तरह से आएगा। यहाँ पे भी आपने अपने 5 दोस्त जो है उनको यहाँ पे टैग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कोई अच्छे से वर्ड्स जो है वो लिख देने हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे वेरी नाइस प्रोजेक्ट, या यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक कर देना है, जस्ट इतना आपने करना है। करने के बाद आपने वापस आ जाना है यहाँ पे, ये वाला आप यहाँ पे आ गए, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अब यहाँ पे आपने ये ज्वाइन कॉइन टाइगर टेलीग्राम है इसको आपने ज्वाइन कर लेना है, और ये वाला इनका NETZ का टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लेना है, कॉइन टाइगर का अनाउंसमेंट टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लेना है। अब ये 3 टास्क मैं आपको कंप्लीट करके उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं, जो नेक्स्ट वाला टास्क होगा वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इनके यहाँ पे 3 टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लिए। करने के बाद यहाँ पे अब ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखें इन्होंने ये बताया, आप थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे योर फ्रेंड टेलीग्राम यूज़र नेम, कि यहाँ पे आपने अपना और अपने दोस्त का टेलीग्राम का यूज़र नेम जो है वो डालना है। वो किस तरह से आपने डालना है, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आके आपने अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम जो है यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मैं अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम डाल के दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने अपने दोस्त का यहाँ पे टेलीग्राम का यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे डालना है। वो आपने जो भी आपका यहाँ पे दोस्त होगा उसका, जिसके रेफर से आप ज्वाइन कर रहे होंगे उसका आपने यहाँ पे डाल। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आके मैं अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम, ये आपने यहाँ पे टेलीग्राम का यूज़र नेम डाल देना, और यहाँ पे आके आपने अपने दोस्त के टेलीग्राम का यूज़र नेम जो है वो डालना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे मैं अपने दोस्त का यहाँ पे जिसके रेफर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उसका यहाँ पे नेम डाल। तो यहाँ पे डालने के बाद सिंपल मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अब आपने लास्ट वाला ऑप्शन पे
कि यहाँ पे ये जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, ये आपने अब यहाँ पे कॉइन टाइगर एक्सचेंज जहाँ पे हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था वहाँ से यूआईडी जो है वो यहाँ पे डालनी है। अब किस तरह से डालनी है, यहाँ पे सिंपल आपने आके क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूआईडी का ऑप्शन आ गया। अब आपने यहाँ पे जाना है, ये जो यूज़र कार एंड ऑप्शन यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका यहाँ पे जो यहाँ पे नाम आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, जैसे इस वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे नेम होगा जो कि यहाँ पे आईडी जो है वो शो करवा रहा होगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी होगी। तो यहाँ पे देखें आपके सामने यहाँ पे ये यूआईडी जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है इतनी वाली आईडी को, और कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है ये गिव अवे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आके आपने ये जो आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। जस्ट यहाँ पे देखें तीन टास्क हैं, एक तो यहाँ पे ट्विटर का टास्क है, दूसरा रीट्वीट का ऑप्शन, और तीसरा आपने टेलीग्राम ज्वाइन करने, और यहाँ पे चौथा आपने यूआईडी डालनी है, और वो बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसी तरह आपने ये वाले दोनों गिवअवेज भी ज्वाइन करने हैं, सिंपल सा काम है। यहाँ पे भी देख लें, ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने 5 फ्रेंड्स को आपने टैग करना है। यहाँ पे देखें ये इन्होंने बताया हुआ है, सिंपल आपने इसी तरह से करना है। और यहाँ पे तीसरे वाला गिव अवे भी इसी तरह से है, इसको भी आपने X2P का यहाँ पे इसी तरह से, इसको भी आपने सेम इसी तरह से ज्वाइन करना है। ये तमाम टास्क सेम एक जैसे हैं, ये भी और ये वाले गिव अवे के भी, ये वाले गिव अवे के भी और ये वाले गिव अवे के भी। तो एक का मैंने आपको करके दिखा दिया है, सेम तरीक़ाकार है। आपने तीनों गिव अवेज को ज्वाइन कर लेना है। इंशाल्लाह अगर आपका नाम यहाँ पर आ जाता है तो आपको यहाँ पर अच्छे टोकन जो हैं वो मिलेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट जो आप यहाँ से निकाल सकेंगे। तो लास्ट में एक बात और आप दोस्तों को बतानी है कि फ्रेंड्स आप दोस्त जानते हैं YouTube की टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी जो है वो क्रिटिकल हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे आप हमारे जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ब्लॉगर जो है वो ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार है। यहाँ पे ये जो रेड कलर के हैं ये इन एक्सचेंजेस और टोकन्स के नेम है, और जो यहाँ पे ब्लू कलर के हैं ये वाला जिस तरह ये कॉइन टाइगर लिखा हुआ है या ये वाला गिव अवे का नेम, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये इनके लिंक्स हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको उसी वक्त जो है उस एक्सचेंज पे या उस साइट पे लेके चले जाएंगे जहाँ से आप एयरड्रॉप ज्वाइन कर सकेंगे। और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम का यूज़र नेम भी आपको मिल जाएगा, इसको भी आप जो है वहाँ पे अपने जितने भी आप गिव अवे ज्वाइन करेंगे वहाँ पे डालना ना भूलिएगा। तो आप दोस्तों का बंडल थैंक्स होगा। जो भी दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक आसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।